चलो दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रिमर को कैसे रिपेयर किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा महसूस किया है कि उनका ट्रिमर काम करना बंद कर लेता है, वो उसे फेंक देते हैं या यूज़ नहीं करते। तो चलो दोस्तों, ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये ट्रिमर का अगला हिस्सा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यही जो चीज़ है जो हेयर को कटिंग करती है। यहाँ पे एक देख सकते हो, ये नुकीला जो भाग है वही हेयर को कटिंग करता है। चलो इसे खोलते हैं और देखते हैं। ये उसका मोटर का कनेक्टर है जो मोटर को घुमाती है, तो ये पार्ट घूमता है। और ये रेसिप्रोकेटिंग ब्लेड है, और निचले वाली जो ब्लेड है वो स्टेडी रहती है, जो स्किन से कनेक्टेड रहती है। ये एक दोनों पे घिसती है और कैंची की तरह काम करती है। ये हर कोना वो कैंची की तरह काम करता है और हेयर को कटिंग करता है। कई बार क्या होता है, यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है, क्योंकि हेयर या कुछ आने के बाद वो ब्लॉकेज कर देता है, तो ये काम करना बंद कर देती है। तो पहले क्या करेंगे, इसको क्लीन करेंगे, बाद में उबले हुए पानी में उसको डालेंगे 2 मिनट तक। उसमें क्या होगा कि ऑयली पार्ट से वो निकल जाएगा और अच्छी तरह क्लीन हो जाएगा। आप देख सकते हो ये कितनी अच्छी तरह साफ हो गया है। बाद में क्या करना है कि इसमें दिया गया ऑयल जो कोरोसिव से प्रोटेक्शन करता है और ब्लेड को लंबे समय तक टिका रहता है। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम इसको खोलेंगे और देखेंगे कि अंदर क्या है और कैसे रिपेयर किया जा सकता है। और मैं आगे की वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि दूसरे ट्रिमर कैसे काम करते हैं। प्लीज़ ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, इसमें आपको बहुत जानकारी मिलेगी। हमने इसे खोल दिया है और देखिए, इतने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं। ये डीसी मोटर है जो रोटेशन क्रिएट करती है। ये यहाँ से पावर सप्लाई होती है जो चार्जिंग का भी काम करती है, और ड्यूरिंग ट्रिमिंग के वक्त भी आप कनेक्ट कर सकते हो। ये डीसी सेल है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार क्या होता है, ये काम करना बंद कर देता है या उसका जो लाइफ होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो हमें सिर्फ इतना करना है कि इसको रिप्लेस करना है। ये आपको बाज़ार में आराम से मिल जाएगा या ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। ये उसकी सर्किट है, ये 2 काम करती है। जब ट्रिमर की ज़रूरत है तब पावर सप्लाई करती है और चार्जिंग का भी काम करती है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादातर इसमें कोई ख़राबी नहीं होती। ये सर्किट तभी डैमेज होती है जब वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो या पानी में गिर जाए। इसीलिए यहाँ पे देख सकते हो, सिर्फ सेल बदलने से आपका ट्रिमर अच्छा हो जाएगा और नए जैसे काम करेगा। चलो दोस्तों, हम फिर से इसको रीअसेंबल करेंगे और चालू करने की ट्राई करेंगे। ये व्हील की मदद से आप देख सकते हो कि कितना आपको ट्रिम करना है या कितनी हेयर कटिंग करनी है, इससे एडजस्ट होता है।
यहाँ पे मैं आपके लिए दूसरा ट्रिमर भी लाया हूँ। ये MI का ट्रिमर है, वो पहले का ट्रिमर है, वैसा ही काम करता है। यहाँ पे भी देख सकते हो ये ब्लेड कटिंग ब्लेड है। आपको क्या करना है कि इसको ही क्लीन रखना है, शुरुआत के दिनों में वही बिगड़ जाती है। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। और कमेंट में आप ज़रूर लिखना कि आपको कौन सा ट्रिमर खोलना है और कौन सा ट्रिमर रिपेयर करना है। शुक्रिया दोस्तों।